नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम जीएस अकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एलडीसी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से अनिवार्य दस्तावेज हैं, उनकी संपूर्ण दस्तावेजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आप एलडीसी से संबंधित पल पल की अपडेट सुप्रीम जीएस अकेडमी यूट्यूब चैनल पर पाते रहें। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको rssme.government.in की साइट पर जाकर के वहां पर एक कैंडिडेट कॉर्नर मिलेगा। कैंडिडेट कॉर्नर से आपको इस प्रकार के दो स्क्रूटनी फॉर्म आपको डाउनलोड करने होंगे। ये दो आपको स्क्रूटनी फॉर्म आपको डाउनलोड करने होंगे दोस्तों। तो इसमें जो निर्देश हैं वो निर्देश आपको डाउनलोड नहीं करवाने हैं। तो दोस्तों, स्क्रूटनी फॉर्म आपको डाउनलोड करवा लेना है। ये इसकी दो कॉपी आपको डाउनलोड करवानी है। ये ओरिजिनल डाउनलोड करवाना दोस्तों, इसका ऐसा नहीं करना है कि एक निकलवा लिया और दूसरे की फोटोकॉपी करवा ली। दोस्तों दोनों ही आपको rssme.government.in की साइट से आपको डाउनलोड करके दोनों निकलवाने हैं। और दोस्तों, आपको आपके पास 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए और उसका बोर्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन अब नई मार्कशीट में बोर्ड सर्टिफिकेट नहीं आ रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो उसके बाद आपको 12th की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए और बोर्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आपके पास 12th तक का जिस स्कूल से आपने 12th की है उसका आपके पास स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। 12th क्लास पास किए जहां से उस स्कूल से आपका चरित्र प्रमाण पत्र बना होगा, वो आपको डबल कॉपी उसकी करवा लेनी है। ओरिजिनल जो है उसको नहीं लगाना है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं, यदि आपने कोई ग्रेजुएशन भी की है तो ग्रेजुएशन की आप डिग्री लगाना चाहते हैं इसमें, तो आप लगा सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं। उसका भी आपको सर्टिफिकेट चाहिएगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उसका भी आपको उसी कॉलेज से बनवाना पड़ेगा दोस्तों। अगली बात करें तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, और उसके साथ साथ मूल निवास भी आपके पास होना चाहिए। तो मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, ये दोनों आपको बनवा लेने हैं। यदि आपके पास मूल निवास पुराना है तो भी चल जाएगा, जाति प्रमाण पत्र भी चल जाएगा। लेकिन एमबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए 6 महीने से ज्यादा पुराना ये नहीं होना चाहिए। अगली बात करते हैं दोस्तों पोस्टल ऑर्डर की। तो आपके पास एक पोस्टल ऑर्डर होना चाहिए। पोस्टल ऑर्डर आपकी जो भी नजदीकी पोस्ट ऑफिस है वहां से आपको 100 रुपए का एक पोस्टल ऑर्डर लेना है दोस्तों। आपके पास 4 पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए। 4 पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होना अनिवार्य है। और आपके पास कोई भी एक आईडी होनी चाहिए, या तो आपके पास वोटर आईडी कार्ड हो या आधार कार्ड हो, तो किसी प्रकार की एक आईडी आपके पास होनी चाहिए। और संपूर्ण दस्तावेजों की आपके पास 2 प्रतिलिपियां होनी चाहिए। 2 फोटोकॉपी आपको प्रत्येक डॉक्यूमेंट्स की करवानी है। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये स्क्रूटनी फॉर्म जो है ये आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए, इसकी फोटोकॉपी नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपने जब फॉर्म भरा होगा तो उस टाइम आपने इसमें आय जो लिखाई है, यदि 2.5 लाख से कम लिखाई है तो आपके पास आय प्रमाण पत्र होना जरूरी है। क्योंकि वो आपका आय प्रमाण पत्र देखेंगे कि आपने 2.5 लाख से कम की जो आय भरी है अपने फादर की, तो उस आय को वो चेक करेंगे और उसके सबूत के रूप में आपको ये आय प्रमाण पत्र डबल पेज वाला, ध्यान रखना दोस्तों, ये डबल पेज वाला आय प्रमाण पत्र आपको बनवाना है। तो दोस्तों, ये हो गई संपूर्ण डॉक्यूमेंट्स की बात जो कि आपको तैयार करवा लेने हैं। जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट्सों को तैयार करवा लें। और यदि आपसे स्क्रूटनी फॉर्म ये भरा नहीं जा रहा है तो आप हमें कमेंट करें, जिससे कि हम अगली वीडियो केवल इस स्क्रूटनी फॉर्म को भरने की ही बनाएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उस घंटी को भी दबाएं, जिससे कि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि जरूरतमंदों तक ये वीडियो पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।